हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेपर्स एडुकेशन। आई एम ऋचा तापड़िया और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू। जो हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन में क्या देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, HUF देखा, पार्टनरशिप देखा, ये सब चीजें हमने उसके अंदर देखी थी। बट आज का टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। कॉपरेटिव सोसाइटी थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो हम बोलेंगे कि एक तरीके से प्रॉफिट अचीव करने की बात नहीं करता, जो हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं। इसका मोटिव क्या रहता है, सर्विस देना। इसका मोटिव है कि सर्विस देना, वेलफेयर करना अपने मेंबर्स का। तो वही चीज आज हम देखने वाले हैं, दैट इज कॉपरेटिव सोसाइटी। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, सुना होगा सबने नाम तो, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट हमें एक्चुअल में पता नहीं होता क्या है, राइट? कोऑपरेटिव सोसाइटी हम जब बात करते हैं, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, हमने पार्टनरशिप पढ़ा, हमने HUF देखा, राइट? तो उन सब में आपने कॉमन चीज देखी कि यार इसमें तो प्रॉफिट अचीव करना ही मोटिव रहता है। और हम आगे कंपनी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यही चीज है कि प्रॉफिट अचीव करना है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसके अंदर प्रॉफिट अचीव करना मोटिव ही नहीं रहता। उनका मोटिव क्या होता है कि हम हमारे मेंबर्स की हेल्प करें, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करें, हम उनका वेलफेयर करें, डेवलपमेंट करें। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि उन्हें सर्विस देनी है, राइट? अब इस केस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोलोगे मैं मेंबर बने कैसे, तो उस केस के अंदर आपको उनके शेयर परचेज करने रहते हैं। दैट इज मिनिमम अमाउंट का शेयर रहता है, दैट इज 100 रुपीज, 50 रुपीज का शेयर है। आप उसे परचेस करो और आप क्या बन जाओगे, उस सोसाइटी के आप मेंबर बन जाओगे। उसके बाद आप वहां के सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती कैसे, आप बोलोगे कैसे बनती है मैम, हमें नहीं पता है। तो इस केस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपको मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए। आपके पास अगर 10 मेंबर्स है तो आप स्टार्ट कर सकते हो ये सोसाइटी को। इसके अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, राइट? रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, 10 मेंबर्स आपके पास है, तो आप ये सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके रूल्स रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इससे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट इज फॉर कंज्यूमर्स। देन फॉर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज फॉर प्रोड्यूसर्स। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि आपको अभी सिलेबस में नहीं दिया है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट फॉर द एग्जाम्पल, हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर लें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर्स के लिए बनी, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल में हमने बोला कि जैसे मैं कोई शॉप के पास गई, ठीक है, मैंने वहां से बिस्किट्स लिए, बिस्किट्स मेरे मुझे वो 150 MRP पे मिली, राइट? लेकिन अब अगर यही कोऑपरेटिव सोसाइटी में से मैं परचेस करूंगी, तो वो मुझे कितने में मिल जाएगी, दैट इज ₹120, ठीक है? ये हमने अप्रोक्स एक फिगर लिया है कि 120 में मुझे वो बिस्किट्स मिल जाएंगे। तो ये क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 150 जब हम रिटेल शॉप पे जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक हमारे पास बहुत सारे मिडिल मैन आ जाते हैं, तो उस केस में कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है, राइट? दैट इज 150 में मेरे को मिला। लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बल्क में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले रहा है, वो मिडिल मैन को इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। और जब हमने मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली लिया, तो कॉस्ट कम हो गई, तो वो क्या हो गई, हमें 120 में उसका अमाउंट पड़ गया, तो हमें कॉस्ट कम पड़ गई। तो ये क्या हो गया, जो भी उसके मेंबर्स है उसको ये बेनिफिट मिला। अब आप ये देखो कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बनेंगे कौन, क्या आपको लगता है रिच पीपल यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, वो बोलेंगे यार यहाँ का शेयर परचेस करूँ, इससे अच्छा मैं कोई बड़ी कंपनी का करूँ जहाँ मुझे प्रॉफिट हो, वो क्यों आएंगे यहाँ पे। तो वही चीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि रिच नहीं आ सकता या पुअर नहीं आ सकता, वहां पे सबको इक्वालिटी दी गई है, कोई भी यहाँ पे मेंबर बन सकता है, बस उसे शेयर परचेस करना होगा। बट यहाँ पे मोस्टली हम देखेंगे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन से होंगे, बिलोंग टू मिडिल और पुअर क्लास फैमिलीज। क्यों, क्योंकि वो तो यही चाहेंगे ना कि हम जो चीज अफोर्ड कर सके हम वहीं पे जाए, राइट? तो वही चीज है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी मेंबर बन सकता है, आपको सिर्फ वहां का शेयर परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कितने शेयर भी परचेस करो, आपको वोटिंग राइट सिर्फ एक ही मिलेगा। जैसे कंपनीज में आप जितने शेयर परचेस करते हो, आपका वोटिंग पावर बढ़ जाता है।
लेकिन यहाँ पे आप जितने भी शेयर परचेस करो आपके पास वोटिंग पावर सिर्फ एक ही रहेगा। क्लियर? तो ये पूरी चीज है जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कॉपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है। वैसे प्रोड्यूसर कॉपरेटिव सोसाइटी में प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट के लिए वो बनाया जाएगा। क्लियर? तो आपको ये टाइप्स तो भी है, नहीं तो हम इतना डिटेल में नहीं देखते हैं। बस मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए कि इस तरीके से कॉपरेटिव सोसाइटी फॉर्म अप होती है। क्लियर है? तो अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। दैट इज कॉपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन है इन विच इंडिविजुअल्स गेट एसोसिएटेड। क्या होता है यहाँ पे? ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है कि कोई भी यहाँ पे एसोसिएट करके यहाँ का मेंबर बन जाएगा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ऑब्वियसली जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर वो यहाँ पे सोसाइटी में देखे जो अफोर्ड करेंगे तो उनका एक तरीके से इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ना। फॉर द इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस पे जो मैंने बताया कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पुअर रिच का, यहाँ कोई भी मेंबर बन के अपना पूरा बेनिफिट ले सकता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे इस मीनिंग के अंदर कॉपरेटिव सोसाइटी में देखा। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वन, दैट इज सेपरेट आइडेंटिटी। अब इसकी सेपरेट आइडेंटिटी कैसे होगी? ऑब्वियसली होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एक रजिस्ट्रेशन होगा जो कि अलग होगा। अब इसके अंदर मेंबर्स जो है वो आएंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, तो ऐसा नहीं है एग्जिट करने पे क्या ये डिसॉल्व हो जाएगी सोसाइटी। नहीं, यहाँ पे तो बोलते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग आइडेंटिटी है, तो ये फिनिश नहीं होगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। जो कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर जाता है तो फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है, बट सोसाइटी के केस में ऐसा नहीं है। तो इसकी क्या है? सेपरेट आइडेंटिटी है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन अलग एक्ट में होगा, मेंबर्स अलग है, सोसाइटी अलग है। दैट इज व्हाई इट इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। सेकंड इज इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स। अब ये चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई पुअर है, कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास मैन है, कोई भी इसके अंदर इंक्लूड होकर मेंबर बन सकता है। दैट इज व्हाई इट इज इक्वालिटी। थर्ड, इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। अब इजी इसमें कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आपको फॉर्मेशन के लिए मैंने कहा मिनिमम आपको 10 मेंबर्स इसके अंदर चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट में, एंड दैट्स ऑल कि आपकी यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? देन नेक्स्ट इज मेन मोटिव ऑफ सर्विस। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यहाँ क्या है? सर्विस इनका मोटिव है। जितना चाहेंगे वो चाहेंगे कि अपना वेलफेयर कर सके, अपने मेंबर्स का, अपने सोसाइटी का, जितना हो सके। सोसाइटी डेवलप होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे सर्विस इनका मोटिव रहेगा। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। अब यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, राइट? उन लोगों को क्रिएट करना एक एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने मिलकर कॉपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर लिया, तो ये क्या है? वॉलेंट्री किया। क्या उनको कोई प्रेशराइज करके बोला गया कि यहाँ पे आके आप फॉर्म कीजिए? नहीं। तो दैट इज व्हाट अबाउट द वॉलंटरी एसोसिएशन। देन नेक्स्ट इज लो प्राइस ऑफ शेयर्स। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट का शेयर है, आपको इन्वेस्ट करना है 100 रुपीज एंड यू विल बी द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, अनरेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स। मैंने बोला कि यहाँ पे कोई मेंबर्स का यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी आ सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं, सो यहाँ पे कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा। देन नेक्स्ट इज वोटिंग राइट पर मेंबर। ये आप कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स ले लो यहाँ पे, बट आपको वोटिंग राइट एक ही मिलेगा। अगर आप 10 शेयर्स ले लोगे तो ऐसे नहीं आपका वोटिंग राइट बढ़ जाएगा, आपका वोटिंग राइट तो यहाँ पे एक ही रहना है। तो इसीलिए यहाँ पे पर मेंबर, पर शेयर के हिसाब से नहीं होगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप लोगे लेकिन आपको वोटिंग राइट एक ही मिलेगा। नेक्स्ट इज सेपरेट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन, मैंने बोल दिया कि यहाँ कास्ट, रिलीजन, सेक्स या ऐसा कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होके यहाँ पे सोसाइटी क्रिएट होगी, नहीं। यहाँ पे सबको इक्वालिटी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा मेंबर। देन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम बोलते हैं मेजोरिटी, हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। देखो यहाँ पे भी एक कमेटी बनाई जाएगी, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे हैं, तो उस केस में मेंबर्स ही कुछ इलेक्ट करेंगे कुछ मेंबर्स को, और उस केस के अंदर क्या होगा, वो एक कमेटी क्रिएट हो जाएगी। वो कमेटी जब क्रिएट होगी तो उस केस में वो कमेटी डिसीजंस लेगी, और जहाँ पे मेजोरिटी है उस अकॉर्डिंग वो डिसीजंस को लिया जाएगा, उसी को बोला जाता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। एंड लास्ट इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैम आपने तो कहा प्रॉफिट होता ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कि यहाँ पे देखो जब नंबर ऑफ मेंबर्स जब बनते तो शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा तो आता ही है ना, तो वो अमाउंट क्या करेगी सोसाइटी? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके वहां से इनकम अर्न करेगी।
तो वो इनकम जब सोसाइटी में यूज नहीं हो रही है तो वो उसे क्या कर किया जाएगा, या तो सारे जो मेंबर्स हैं उन्हें एज अ डिविडेंड बांट दिया जाएगा या उनके ही वेलफेयर में यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ मिसयूज जैसी चीज नहीं होगी, अगर एक्सेस इनकम है तो सब में बांट दिया जाएगा। डेट इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? जो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स एक्सप्लेन करे। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है आपके लिए, डेट इज सीमा लव्स डोनट्स एंड फास्ट फूड। ठीक है, अब इसके अंदर जो कैप्स में है वो आपके पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। दैट इज सीमा SEEMA पूरा ये कैप्स में है। दैट इज सेपरेट आइडेंटिटी, देन इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स, देन इजी फॉर्मेशन प्रोसेस, M फॉर मेन मोटिव एंड A फॉर एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन। देन लव्स LUVL, दैट इज लो प्राइस अनरेस्ट्रिक्टेड, देन वोटिंग राइट, देन सेपरेट इंस्टीट्यूशन। लव्स डोनट्स इज फॉर डेमोक्रेटिक एंड फास्ट फूड इज फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, होपफुली आपको बहुत जल्दी इसे लर्न हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी। अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, कुछ एडवांटेजेस जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उससे कुछ हमारे एडवांटेजेस और लिमिटेशंस निकलेगी। दैट इज एडवांटेजेस, फर्स्ट वन, इजी फॉर्मेशन प्रोसीजर। इजी फॉर्मेशन जो हमने देखा कि इसमें कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा और आपके 10 मेंबर्स होंगे जिससे आपका क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। दैट इज इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। सेकंड इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल कंटिन्यूस ये सोसाइटी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है एंट्री या एग्जिट ऑफ मेंबर्स की वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं है स्टॉप हो सकती है सोसाइटी, नहीं, ये कंटिन्यू प्रोसेस में चलती रहेगी। नेक्स्ट इज ओपन मेंबरशिप, जो चाहता है यहाँ पे क्या बन सकता है, वॉलेंटरी आपका मेंबर बन सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। फोर्थ इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी अपन ने पहले भी देखा है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड या लिमिटेड होती है, हमने देखा सोल प्रोपराइटर में, पार्टनरशिप में। तो लिमिटेड मतलब जो यहाँ पे हम बोलते हैं मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब जो शेयर्स उन्होंने परचेस किए हैं बस उतना अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी आएगी। अगर फ्यूचर में हम बोलते हैं सोसाइटी लॉस में जाए, कोई भी केस में हो सकता है, बोलोगे लॉस कैसे होगा, लॉस देखो हो सकता है कोई भी रीजन हो कि अगर यहाँ पे बोले हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो लोन देती है, तो लोन के केस में हो सकता है लॉसेस। हमने तो मेंबर्स को लोन्स दे के रखे हैं, बैंक से मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं बैंक से लेके मैं यहाँ पे लोगों को दे रही हूँ और यहाँ पे मेंबर्स चुका ही नहीं रहे वापस अमाउंट, तो इस तरीके से भी लॉस हो सकता है। या फिर कहाँ कॉपरेटिव सोसाइटी ने कहीं इन्वेस्ट किया वहां से लॉस, तो कोई भी तरीके से लॉस होके हम बोलते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी में लॉस हो रहा है। अब अगर लॉस होकर जाएगा तो क्या होगा उस केस में, अगर कॉपरेटिव सोसाइटी डिजोल्व होने में आ रही है तो क्या वो मेंबर से ले सकती है पैसे, नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी है। ये हमने पहले भी देखा कि सेपरेट आइडेंटिटी है, तो उस केस के अंदर आप मेंबर से पैसा नहीं मंगवा सकते। जितना उनका हक है, जितना उनका राइट, आप सिर्फ उतना ही मंगवा सकते हो। 100 रुपीज का शेयर है, उन्होंने 1 शेयर ही परचेज किया है, तो उनका राइट सिर्फ 100 रुपीज तक है, आप उनसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं मंगवा सकते। दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है, इससे हमें समझ में आ रहा है गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ठीक है, वो फाइनेंस देती है। क्यों दे रही है, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो वेलफेयर कर रही है लोगों का, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो ऐसे कामों में हाथ देगी, तो वही चीज है, गवर्नमेंट भी हमें असिस्ट कर सकती है जब भी जरूरत होती है, गवर्नमेंट फाइनेंशियली आपको हेल्प कर सकती है। देन लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होता, जैसे हम एडवर्टीजमेंट, हमारा मार्केटिंग, ये जो हम बोलते हैं कंपनीज और करती है, तो उस केस के अंदर कॉपरेटिव सोसाइटी को ये जरूरत नहीं है। क्यों, पहली बात तो कॉपरेटिव सोसाइटी का बेनिफिट किसी को भी लेना है तो आ जाएगा, एंड सेकेंड हम बोलते हैं जो मेंबर्स है वो खुद ही एडवर्टाइज कर देते हैं। अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, आपको वहां बेनिफिट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप दूसरे सोसाइटीज में जाके क्या बोलोगे, दूसरे सोसाइटी या दूसरे आपके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बोलोगे यार आप भी यहाँ का मेंबर बनो, बहुत बेनिफिट मिल रहा है, राइट? तो ये क्या होता है, 100 मेंबर्स है तो वो अपने अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को ये चीज बताएंगे जिससे हमारे मेंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो इससे क्या होगा, अपने आप एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या हो गया, लेस हो गया। देन नेक्स्ट इज स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर्स। अब स्पेशल क्लास क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो खुद के मेंबर्स हैं उनके लिए ही किया जाता है, उन्हीं को सर्विसेज, उन्हीं का वेलफेयर होता है, यहाँ बाहर के लोगों को कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती, दैट इज व्हाट इज स्पेशल क्लास। देन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन, ये कैसे हुआ, देखो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ तो हो गई, कैसे होगा, अगर हम जा रहे हैं शॉप के पास, हम देख रहे हैं शॉपकीपर हमें 150 चार्ज कर रहा है और हमें पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 120 में ही दे रही है, तो कंपटीशन तो यहीं पे हो गया ना,
क्योंकि अगर हम बोलेंगे 120 में तो लोग कहाँ जाएंगे, कस्टमर्स कहाँ जाएंगे जहां उन्हें कम रेट में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से मेंबर्स कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और उससे क्या होगा, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस कम हो जाएगी। तो वही चीज वो बोल रहा है कि इस तरीके से क्या हो सकता है। हम देखते हैं ट्रेडिंग के अंदर तो देखो कुछ भी ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, एडल्ट्रेशन होते हैं, ये सब चीजें होते हैं, कम में ले लिया ज्यादा में सेल कर दिया। तो जब ये सब चीजें होती है तो एक तरीके से कॉपरेटिव सोसाइटी क्या हो गई, एक तरीके से कॉम्पिटिटर हो गई इसके। क्लियर? देन नेक्स्ट इज वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर दी सोसाइटी। ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, वेलफेयर एक्टिविटी ही कर रहा है। इसके पास कुछ अगर ज्यादा सरप्लस अमाउंट बच भी जाता है तो क्या करता है, अपने मेंबर्स की सोसाइटी के लिए हेल्पफुली कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये कुछ ऐसा सरप्लस अमाउंट अपने लिए नहीं करेगा, कुछ ना कुछ ये क्या करेगा, सोसाइटी के लिए करता रहेगा। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमने देखा क्या है कि एक तरीके से जो मेजोरिटी डिसीजन लेगी वही लिया जाएगा। तो वो हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। एंड लास्ट इज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेंबर। वो तो हो ही रहा है ना, जो चीज मैं बोल रही थी 150 में मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही, वो मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी 120 में दे रहा है, तो मेरा अपलिफ्टमेंट हो रहा है। जो सिर्फ हम मैं बोल रही थी रिच पीपल ले पा रहे हैं, वो अब क्या हो गया, मिडिल क्लास फैमिलीज भी ले पाएगी, तो अपलिफ्टमेंट हो रहा है। राइट? जो हमारा 30 रुपीज यहाँ सेव हुआ है वो मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगी, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो हर चीज में अपलिफ्टमेंट होगा ही ना। जब हमें जो रेट्स एमआरपी से कम रेट में अगर चीजें मिलेगी तो कोई क्यों नहीं लेगा, उसका बेनिफिट तो सभी लेना चाहेंगे। तो वही चीज है कि यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी। लेकिन एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन होनी है, वो तो हो गई। तो चलो हम देखते हैं अब इसमें लिमिटेशन क्या है ना। लिमिटेशन में सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। कैसे हुआ लिमिटेशन, ऑब्वियसली होगा, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे रिच लोग तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे नहीं, इसीलिए ये बनाया है, इसीलिए गया कि पुअर और मिडिल क्लास फैमिली इन्वेस्ट करें, तो यहाँ शेयर का अमाउंट बहुत नॉर्मल रहता है। तो उस केस में कैपिटल आपसे ज्यादा आएगी कहाँ से, कहाँ से आप ज्यादा कैपिटल को यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे या कहाँ से आप लेके आओगे, तो वही चीज है, एक तरीके से लिमिटेशन हो गई। सेकेंड इज लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कोई भी मेंबर बन सकता है क्या, कॉपरेटिव सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई रूल है कि हम उनका टेस्ट लेते हैं या उनकी नॉलेज देखते हैं, कोई एक्सपर्टाइज को अपॉइंट करते हैं? नहीं, यहाँ तो कोई भी मेंबर बन जाएगा। जब कोई भी बन जाएगा तो क्या हमें उसके नॉलेज का पता है, नहीं पता, तो उस केस में एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब ये कैसे हुआ, जब हमने देखा गवर्नमेंट असिस्ट करती है, ठीक है, हमने एडवांटेज में देखा असिस्ट तो करेगी गवर्नमेंट, अच्छा काम कर रहे हैं तो, लेकिन जब असिस्टेंस ज्यादा होता है तो क्या होगा, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग पावर थोड़ा गवर्नमेंट के हाथ में आएगा और वो इंटरफेयर करेगी, और जिससे हम क्या हो गए, हमारी सोसाइटी में थोड़ा ग्रोथ में चेंज आ सकता है। जिस तरीके से सोसाइटी वर्क कर पा रही थी, देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके अंदर हम देखते हैं यार मैनेजमेंट जो भी कोई हमारी हेल्प कर रहा है, कोई हमें फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, तो हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसकी, इसको मेरी जरूरत है या मुझे इसकी जरूरत है, तो क्या होगा, हमें उसकी बात तो सुननी पड़ेगी ना। तो वही चीज है कि जब गवर्नमेंट असिस्ट कर रहा है, हमें गवर्नमेंट की जरूरत है, गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट तो अपना कंट्रोल पूरा दिखाएगी और हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो वही चीज है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन का पार्ट बन जाएगा। एंड लास्ट इज नॉन कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स। कैसे होगा, इतने मेंबर्स होंगे यहाँ पे, कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट आना है, राइट, डिस्प्यूट्स होना है, जहां ज्यादा लोग होंगे वहां डिस्प्यूट्स तो होना ही है, कोई अग्री करेगा, कोई डिसअग्री करेगा, कोई डिस्प्यूट करेगा, तो वही चीज है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन होगा। क्लियर है? तो ये कुछ हमने यहाँ पे क्या देखी, दैट इज लिमिटेशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉपरेटिव सोसाइटी, जो हमने देखा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशन। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई है, सो प्लीज इसे अच्छे से आप पढ़िए और कमेंट कीजिए। ओके, सो बाय।